और सर फैन की बात करें तो रिसेंटली सोशल मीडिया पे भी आपको काफ़ी सपोर्ट किया गया था एक क्रीम को लेकर, इंडोर्समेंट को लेकर, उसके बारे में क्या कहेंगे? फैंस आर सो सपोर्टिव टुवर्ड्स यू। ऑफकोर्स, चूँकि वो तो ऐसी बात भी ऐसी थी कि इसमें कोई उसके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि वो सबकी 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 वही सोच है कि भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। सब लाइक स्किल को देखा जाता है, आपकी नॉलेज को देखा जाता है, आपके हार्डवर्क को देखा जाता है, ना कि आपके कलर को देखा जाता है। एंड डोंट यू थिंक कहीं ना कहीं मिसलीडिंग है, बिकॉज टॉप बॉलीवुड एक्टर्स आर ऑल्सो इंडोर्सिंग फेयरनेस क्रीम, तो देखिए, कोई कहीं भी ना कहीं करता ये हो, मिसलीडिंग होगा। कोई भी करता हो, वो गलत है। ये ऑफ कोर्स, क्योंकि उससे क्या होता है कि पूरी कंट्री में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, ख़ास तौर से उस कलर के लोगों का। तो वो, और हमें तो सपोर्ट करना चाहिए कि आप जो भी कलर के हों, कि आप ऊपर वाले के भेजे हुए एक इंसान हो, है ना? तो उस एक वो एक वो भी एक नेचर है, उस नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए हमें। जो चाहे काला हो या गोरा हो, या सब ऊपर वाले की देन है ना? वो नेचर है एक, तो नेचर के अगेंस्ट हमें कंपेन नहीं करनी चाहिए कि आपको ऐसा दिया गया है तो आप ऐसे हो जाए, वो इस क्रीम से ऐसे हो जाए, वो बहुत ही गलत बात है वो। एंड व्हाट्स योर टेक ऑन इट, बिकॉज आपने अभी मेंशन किया था कि यू वर एक्स मॉडल फॉर द फेयरनेस क्रीम। हाँ, मैं पहले फेयर एंड लवली मॉडल थी, और जब मैंने किया था मुझे इस बात की समझ नहीं थी। ऑलमोस्ट मैंने 10 साल पहले किया था, और जो होता है ना, ज़्यादातर फेयर एंड लवली लड़कियाँ तुरंत उसे बड़ी फिल्म मिल जाती है, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, तब मुझे जो ग्राउंड रियलिटी है पता चला कि स्किन टोन से कुछ नहीं बदलने वाला, ये आपकी जो टैलेंट है आपका हार्डवर्क ही बोलता है। उसके बाद मैंने कई फिल्म्स किए, ज़्यादातर फिल्मों में मैंने अपना स्किन टोन डार्क ही किया है। मैंने ट्राइबल लड़की का भी रोल निभाया है जहाँ मुझे बिल्कुल ब्लैक किया जाता था, पर वो मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छे दिन थे। अभी भी मैं कोशिश करती हूँ, इस फिल्म में भी मेरा स्किन टोन डार्क किया गया है। डी ग्लैम रोल करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आगे कोई भी स्किन वाइटनिंग ब्रांड इंडोर्स नहीं करूँगी, क्योंकि ये गलत है।